हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बालूशाही। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में 2 कप मैदा ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 कप घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी घी की बढ़ा सकते हैं। और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी, आप बेकिंग पाउडर स्किप कर सकते हैं। अब मैं मैदे और घी को अच्छे से मिक्स करके मैदे को मोयन कर लूंगी। ये देखिए, घी के कारण अब मैदा अच्छे से बंधने लगा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और अच्छा सॉफ्ट डो बना लूंगी। बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, वरना बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो बन जाएगा आपका और फिर अच्छे से शेप नहीं आएगा। ये देखिए, मेरा डो अब रेडी है। मुझे कम से कम 1/2 कप बस पानी लगा होगा इस डो को मारने के लिए। तो अब मैं डो को 1 से 2 घंटे के लिए ढक के रख दूंगी ताकि वो थोड़ा अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, अब 2 घंटे हो चुके हैं और मेरा डो अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट हो गया है। मैं एक बार फिर से अब डो को अच्छे से नीट कर ले रही हूँ। ये देखिए, अब डो एकदम रेडी है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ूंगी और फिर मैं बालूशाही बनाना स्टार्ट कर दूंगी। आपको जितना साइज चाहिए हो अपनी बालूशाही का, उस अकॉर्डिंगली आप लोइया अपनी तोड़ लीजिए और एक बराबर तोड़िए। तो एक लोई मैंने अपने हाथों पे ले ली है। अब मैं इसे एकदम दबा दबा के गोल बनाऊंगी। इसको पतली ही रखिएगा क्योंकि बाद में ये फूल जाएगी, इसे इसको पतली ही रखिएगा। अब मैं इसमें बीच में एक छेद बना रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से शुगर सिरप अच्छे से अंदर चला जाए। तो मेरी बालूशाही अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। एक साइड मैंने नॉर्मल ऑयल ले लिया है और एक साइड मैंने घी ले लिया है। तो पहले मैं बालूशाही एक एक करके तेल पे डाल रही हूँ और मैं अब घी पे भी एक एक करके बालूशाही डाल रही हूँ। तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम मीडियम पे ही रखना है, वरना बालूशाही ऊपर से जल जाएगी और बीच में कच्ची रह जाएगी। मैंने फ्लेम को एकदम लो पे रखा हुआ है अभी, और जैसे ही मेरी बालूशाही ऊपर तैरने लगेगी तब मैं फ्लेम को एकदम लो से मीडियम पे कर दूंगी। बालूशाही अब तैर के ऊपर आ गई है तो मैं फ्लेम को मीडियम पे कर दे रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बालूशाही ऊपर ही ऊपर तैर रही है। ये देखिए, घी वाली बालूशाही भी फ्राई हो गई है और ऊपर ऊपर तैरने लगी है। तो मैं इसका भी फ्लेम लो से मीडियम कर दे रही हूँ। अब मैं बालूशाही को अच्छे से फ्राई करती रहूंगी जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, अब ये एक साइड से हल्का हल्का ब्राउन होने लगी है तो मैं इसको पलट दूंगी। जब तक कि बालूशाही अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से पलटते रहिए और अच्छे से फ्राई करते रहिए। ये देखिए, घी वाली बालूशाही फ्राई होने ही वाली है। घी वाली हो या ऑयल वाली हो, दोनों बालूशाही का टेक्सचर एक जैसा ही आता है। तो आपको जिसमें फ्राई करना हो आप उसमें फ्राई कीजिए। ये देखिए, अब बालूशाही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो मैं अब इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। बालूशाही को थोड़ा ठंडा करके ही चाशनी में डालिएगा। ऑयल वाली बालूशाही भी एकदम रेडी है तो मैं इसे भी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। चाशनी के लिए अब मैं 2 कप पानी ले रही हूँ और इसमें मैं 1 कप शुगर मिला रही हूँ। अब मैं इसमें 4 इलायची डाल रही हूँ। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी बन जाएगी तो हमारी बालूशाही उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और अगर बहुत ज्यादा पतली चाशनी बन जाएगी तो हमारी बालूशाही बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, 1 तार की चाशनी अब एकदम रेडी है। बिल्कुल गरम गरम चाशनी में बालूशाही को मत डालिएगा, वरना आपकी बालूशाही एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, घी वाली और ऑयल वाली दोनों बालूशाही एकदम रेडी है। अब मैं बालूशाही को चाशनी में डाल के ढक्कन बंद करके इसको रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। ये देखिए, बालूशाही एकदम रेडी है और इसमें देखिए शुगर सिरप कितने अच्छे से अब्सॉर्ब हुआ है। मेरी रेसिपी को प्लीज ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।